लॉकडाउन में गरीबों को राशन देकर उन्हें बचाए रखने का बड़ा काम राशन दुकानदारों ने किया है। इसलिए राशन दुकानदारों को कोविड योद्धा घोषित कर 50 लाख रुपयों का बीमा सुरक्षा कवर देने की मांग संगठन द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार ने उसे मान्यता नहीं दिया। आखिर राशन दुकानदार की पहली मौत कोविड से दर्ज की गई है। इस प्रकार अनेक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस पर राशन दुकानदार संगठन ने राशन का वितरण बंद करने की घोषणा की। जिला परिषद मुख्यालय में कोविड 19 के बढ़ते असर के मद्देनजर अब कार्यालय में आने वाले पर पाबंदी लगा दी है। सोमवार को यहां फिर 2 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। अब तक कुल 8 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। उपराजधानी का महाराजबाग चिड़ियाघर कोविड संक्रमण के मद्देनजर 5 माह से पर्यटकों के लिए बंद रखा गया। चिड़ियाघर प्रबंधन को अब आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। जू के लिए अब तक सरकारी ग्रांट नहीं ली गई थी। सालों से पर्यटकों से जूटने वाली रकम पर ही चलता रहा। इस लॉकडाउन से पहले 15 मार्च को चिड़ियाघर बंद कर दिया गया था। संक्रमण की वजह से वर्ष 2020-21 का सार समिति का प्रस्तावित बजट अब तक पेश नहीं हो पाया, जबकि सार समिति अध्यक्ष पिंटू झलके ने अप्रैल में बजट पेश करने की योजना बनाई। विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर सहित पूरे राज्य में कोविड 19 की वजह से हो रही मृत्यु विषय गंभीर है। अगस्त में कोविड 19 के पॉजिटिव रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली के अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य में टेस्ट की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है। नागपुर जैसे शहर में रोज 5,000 से अधिक टेस्ट होने चाहिए। पारंपरिक त्यौहार पोला शहर में इस वर्ष सादगी के साथ मनाया जाएगा। इस दिन बैलों के साथ साथ बलिराजा की पूजा भी की जाएगी। हर वर्ष के विभिन्न परिसरों में मेला भी आयोजित किया जाता है, लेकिन शहर में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष मेला स्थगित कर दिया गया। कोविड से मौतों का आंकड़ा सोमवार को 500 पार कर गया। 5 महीनों में मौत के मामले यहां तक पहुंचे हैं। जिले में सोमवार तक कुल 512 मरीजों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 367 नागपुर शहर के और 82 ग्रामीण तथा 63 जिले के बाहर के हैं। मनपा प्रशासन की मनमानी से तंग आ चुके शहर के व्यापारियों के सब्र का बांध अब टूट गया। लॉकडाउन और फिर अनलॉक में व्यापारी बुरी तरह से प्रभावित होने से पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। व्यापारियों पर मनपा प्रशासन द्वारा आए दिनों लादे जा रहे नीतिय फरमान से अजीज व्यापारियों ने अब सांकेतिक रूप से 19 अगस्त को नागपुर बंद करने का ऐलान दिया। कोविड की दहशत के बीच रोजाना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते कौन किसके संपर्क में आकर पॉजिटिव आएगा यह कहना अब मुश्किल हो गया। राज्य के मुंबई पुणे सहित कई शहरों में शहर सेवा को बहाल कर दिया गया, लेकिन नागपुर शहर में रियायतों का दौर शुरू होने के 1.5 महीने के बाद भी शहर में बस से सफर का इंतजार जारी है। औद्योगिक व्यापार मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित जरूरी चीजें खोल दी गई है, लेकिन बस सेवा शुरू नहीं होने से नागरिक परेशान है। उनका सवाल है कि आखिर कब बस सेवा बहाल होगी, पर इसका जवाब किसी के पास।